बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड होप टू फाइंड यू गुड। स्पाइडरमैन मूवी देखने के बाद हम सब की फैंटेसी ये जरूर रही होगी कि हमें कोई स्पाइडर काटे और हम भी स्पाइडरमैन की तरह स्पाइडरमैन बन जाए और हमारे पास भी ऐसी पावर्स आ जाएं कि जो स्पाइडरमैन के पास मौजूद थी या उसको मिल गई थी उस मकड़ी के काटने से। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या वाकई मकड़ी के काटने से इंसान को पावर्स मिल जाती हैं या फिर इंसान हमेशा के लिए पावरलेस हो जाता है यानी मर जाता है। दुनिया में 43,000 से ज़्यादा टाइप्स की मकड़ियाँ पाई जाती और अगर हम रिसर्च की माने तो इन तमाम मकड़ियों में से काफ़ी कम मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर होती हैं यानी उसके लिए जानलेवा साबित होती हैं या फिर नुकसानदेह साबित होती हैं। जब मकड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा है तो मकड़ियाँ इतनी कम तादाद में इंसान के लिए नुकसानदेह क्यों होती हैं? उसकी वजह मकड़ियों के अंदर जहर कम होना है। कुछ मकड़ियों के अंदर जहर बहुत ज़्यादा कम होता है तो इस वजह से वो इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और जानलेवा स्पाइडर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुर्ख बेवा मकड़ी है या फिर सुर्ख टांगों वाली बेवा मकड़ी भी कह सकते हैं हम इसे। इस मकड़ी की टांगे और जिस्म के आगे वाला हिस्सा लाल होता है जबकि पीछे वाला हिस्सा काला होता है, लेकिन उस पे लाल लाल निशानात होते हैं और उस मकड़ी का नाम है रेड बैक स्पाइडर। वैसे तो रेड बैक स्पाइडर की तादाद दुनिया में ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट होने की वजह से ये न्यूजीलैंड, बेल्जियम और जापान तक पहुँच चुका है। रेड बैक स्पाइडर्स ठंडे पहाड़ों और गर्म सहराओं के अलावा किसी भी बड़े आज़म पर आराम से रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 250 से ज़्यादा रेड बैक के काटने की वजह से मुतासर हुए अफराद का इलाज किया जाता है। ब्राउन विडो स्पाइडर, इसका ये नाम इसके इस रंग की वजह से रखा गया है। इसके पाँव पर मौजूद निशानात इसे नायाब और इसी की तरह दूसरी दिखने वाली मकड़ियों से अलग बनाते हैं। वैसे तो इस मकड़ी का कलर लाइट ब्राउन होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और इसकी उम्र बढ़ती जाती है, इस मकड़ी का कलर लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन होने लग जाता है। ब्लैक विडो स्पाइडर, जॉन क्रिस्टियान ने 1775 को सबसे पहली बार इस मकड़ी को डिस्क्राइब किया था, जिसको 1837 में चार्ल्स ने लेट्रोडेक्टस जीन्स में मुंतकिल कर दिया था। अब तक के एक बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारी पिछली तीन मकड़ियाँ आपस में कजिन्स थी, जो कि उनके सर नेम से भी जाहिर हो रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली मकड़ी भी उन्हीं की कजन है। मकड़ी के काटने से मौत हो जाना एक बहुत ज्यादा नायाब बात है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। इस मकड़ी का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये मकड़ी अपना जहर थोड़ा सा भी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है तो इंसान की मौत हो जाती है। ये नाम इसका इसके मुंह की वजह से रखा गया है, जो इसे काफ़ी मुख्तलिफ और काफ़ी ख़तरनाक दिखाता है। एक तंग नालियों में बैठ के जाला बना के अपने शिकार का इंतज़ार करती है और जैसे ही इसका शिकार वहाँ पर आ जाता है, ये अपना ट्यूब नुमा मुँह खोल कर उस शिकार को खा लेती है। इसके मुँह के आगे के दो कांटे इसे दूसरी मकड़ियों से काफ़ी मुख्तलिफ और खौफ ज़्यादा बनाते हैं और ये कांटे कोई आम कांटे नहीं बल्कि शदीद जहरीले कांटे होते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1920 में इस मकड़ी के काटने की वजह से काफ़ी सारी अमवात हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।